Hello everyone, my name is Aparna. Uh, welcome to my channel. Let's start today's video. That is, uh, we are going to start a new chapter, that is, chapter 5 Natural Vegetation and Communities Dependent on Forest. Let's start. Forest, uh, people have different uh, notions about forest and attach different values to them some are scared of forest for them the forests are full of huge trees and wild animals like tigers bears snakes scorpions etc but there are others who are not scared of forest their children roam around in dense forest without any fear some are mesmerized by the beauty of the forest or consider them sacred some people see forest as an economic resource that provides raw minerals like timber bamboo

फॉरेस्ट में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं टाइगर्स बियर्स स्नैक्स ये सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट से डरते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फॉरेस्ट से नहीं डरते उनके जो बच्चे हैं वो वहीं घूमते हैं पूरे उस डेंस फॉरेस्ट पे घूमते हैं किसी भी आ, बिना डरे ठीक है बिना डरे क्या होता है वो घूमते हैं कुछ जो है वो उस आ, फॉरेस्ट की जो ब्यूटी होती है उससे बहुत ज्यादा मीन्स जो बहुत जब फॉरेस्ट रहता है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है उसके वजह से वो बहुत ज्यादा मैसमेराइज रहते हैं और उनको सेक्रेट मानते हैं मीन्स उनको पूजते हैं कुछ जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को क्या देखते हैं एक इकोनॉमिक रिसोर्स के जैसे देखते हैं उनको उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो वहाँ से प्रोवाइड होता है जैसे कि टिम्बर बैम्बू तेंदू लीव्स ये क्या होता है इंडस्ट्रीज के लिए उनके लिए पीपल ऑल्सो यूज फॉरेस्ट इन डिफरेंट वेज सम पीपल बिल्ड हर्ट इन फॉरेस्ट टू लीव इन दे हंट स्मॉल एनिमल्स एंड कलेक्ट फ्रूट्स फॉर फूड सम ग्रेस देयर कैटल इन फॉरेस्ट फॉर फ़ॉरेस्ट आर टूरिस्ट स्पॉट सम अदर वॉन्ट टू क्लियर दॉरेस्ट एंड स्टेब्लिश फार्म इंडस्ट्रीज एंड माइंड ठीक है for some, uh, farms, अलग अलग लोग जो है वो फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं कुछ लोग जो हैं उस पर फॉरेस्ट पे, आ, पे घर बनाते हैं और वहाँ पर रहते हैं और छोटे एनिमल्स या फिर फ्रूट्स को कलेक्ट कर कर अपना खाना खाते हैं ठीक है कुछ जो हैं वो फॉरेस्ट पे आ, कैटल मींस कैटल को ग्रेस करने के लिए आते हैं कुछ जो लोग हैं वो फॉरेस्ट को एक टूरिस्ट स्पॉट जैसे समझते हैं और घूमने के लिए आते हैं कुछ लोगों के लिए आ, कुछ लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट को आ, क्लियर करते हैं और फार्म्स को स्टैब्लिश करते हैं ठीक है फार्म को इस्टेब्लिश करते हैं मीन्स अपना खेती करते हैं इंडस्ट्रीज बनाते हैं माइंड सेटअप करते हैं तो अलग अलग लोगों के लिए क्या होता है यहाँ पर अलग अलग वेज uh, जो हैं अलग अलग डिफरेंट वेज हैं जो जिसकी वजह से हम लोग फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं वी मस्ट कीप इन माइंड दैट इट इज़ नॉट जस्ट वी ह्यूमन ह्यूमन बींग्स हु यूज फॉरेस्ट प्लांट्स ट्रीज ग्रासेस बर्ड्स इंसेक्ट्स एक्सेट्रा टू लीव एंड ग्रो इन फॉरेस्ट whenever we think about forest we must keep in mind the interest of everyone plant animal bird or human beings what is a forest there are uh, many ways to describe and define it dekhiye jab hum forest ke use ki baat karte hain to humko kya kar rakhna hai human beings jo hain वो किस तरीके से forest का use कर रहे हैं जैसे कि आपको क्या हो गया plants हो गया trees grasses birds insects ये सभी क्या होते हैं uh, forest पे ही फॉरेस्ट पे ही रहते हैं और वहीं अपना वहीं ग्रो करते हैं ठीक है जब भी फॉरेस्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको अपने माइंड पे ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें क्या है सभी के लिए हैं ठीक है ये सभी के लिए जरूरी हैं और सभी के लिए इंटरेस्टिंग भी हैं क्या होता है फॉरेस्ट वॉट इज अ फॉरेस्ट और आ, किस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है देयर कैन बी no single definition of a forest our definition depends on how we look at forest for example we can say that a forest is a large area of land covered by trees and bushes the question then arises how big a tract of land what does being covered by trees mean how dense do plantation of teak rubber and eucalyptus makes a forest कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड डेफिनेशन गिव राइज टू सिमिलर क्वेश्चन ठीक है जब आ, कोई एक कोई एक डेफिनेशन जो है फॉरेस्ट का वो नहीं हो सकता ठीक है यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन फॉरेस्ट का नहीं हो सकता जब हम फॉरेस्ट के डेफिनेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे मन में आते हैं कि उस जो एरिया है वो कितना बड़ा है कितने कितने एरिया में बुशे हैं कितने एरिया में ट्रीज हैं कि कितना बड़ा जगह है ट्रीज़ का क्या उसमें एनिमल्स होंगे या नहीं होंगे क्या वहाँ पर टीक रबर और इक्वलपटस का इक्वलपटस जो है वो क्या बनाते हैं एक फॉरेस्ट बनाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज़ होते हैं जब भी हम फॉरेस्ट के डेफिनेशन की बात करते हैं बट वी नीड टू मूव अड विद विद समरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेस्ट वी कैन से दैट मोस्ट फॉरेस्ट है फॉलोइंग फीचर्स ठीक है हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फॉरेस्ट जो जो भी जो कॉमन फीचर्स होते हैं किसी भी फॉरेस्ट के वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं पहला लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड सेवन किलोमीटर्स लॉन्ग एंड वाइड क्या होना चाहिए सबसे पहले फॉरेस्ट का क्या है आपका फीचर क्या हो गया कि बहुत बड़ा लैंड होता है जहाँ पर Uh, बहुत सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग रहता है और बहुत वाइड रहता है लेंथ और ब्रेडथ उसका काफी बड़ा रहता है और एक बहुत बड़ा एरिया होता है सेकंड पॉइंट मेनी ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन सच एज ग्रास बुशेस शर्ब्स क्रीपर्स एक्स्ट्रा दैट ग्रो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस ठीक है बहुत सारे ट्रीज होते हैं और अदर वेजिटेशन होते हैं जैसे कि ग्रास हो गया बुशेस हो गए श्रब्स हो गए क्रीपर्स हो गए ये सभी जो है वो अपने से ग्रो करते हैं मीन्स यहाँ पर क्या है कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता और वो अपने आप जो है वो ग्रो करते हैं अ वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ न्यूमरस स्पीशीज एग्जिस्टिंग एंड प्रोपिगेटिंग नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस ठीक है बहुत सारा वहाँ पर क्या है बहुत अलग अलग बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर रहती है अलग अलग स्पीशीज वहाँ पर रहते हैं और नेचुरली मीन्स वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर नेचुरली नैचुरली हैं वहाँ पर किसी भी ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है वो वहाँ पर नहीं होता इन इंडिया द फॉरेस्ट आर होम टू मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट विदाउट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ठीक है इंडिया में क्या है फॉरेस्ट इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो कई ट्राइबल कम्युनिटीज का घर भी है वो वहाँ के एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर चुके हैं और वो वहाँ रहते हैं वो वहाँ पर फॉरेस्ट पे रहते हैं बिना किसी uh, बिना means वहाँ पर किसी भी फॉरेस्ट में रहने के बावजूद वहां पर कोई भी डिस्ट्रक्शन uh, या फिर डैमेज उनके वजह से फॉरेस्ट को नहीं होता हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर वर दे वर वेयर आर दे फाउंड ठीक है कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और कहा वो पाए जाते हैं वेयर आर फॉरेस्ट फाउंड दिस इज दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक फॉरेस्ट कवर्स मोस्ट ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ There were abundant forests wherever uh, there was soil, sunlight, and water. Except for the polar region, the snow-capped mountains, sandy or rocky terrain, and deserts with scanty rainfall. Forests covered the entire earth. When humans started settling down in villages and towns, they began clearing forests to farm the land. The areas suitable for agriculture, plantations, mines, industries, etc., were rapidly cleared by the beginning of the 20th century the only forests remaining were in areas that were not suitable for agriculture like hill ranges marshes rocky terrain these were regions where people found it difficult to live in or else they were far from human habitations okay, क्या हो रहा है कि कहाँ कहाँ फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या डिफिकल्ट है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है करीब बहुत साल पहले क्या होता था पूरा जो हमारा जो अर्थ था वो ज़्यादातर फॉरेस्ट से ही कवर्ड था अगर हम आ, कुछ रीजन को हटा दें जैसे कि पोलर रीजन को हटा दें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहती बर्फ रहती है सैंडी और रॉकी टेलेंट को हटा दें जहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉक्स हैं या डेजर्ट एरिया को हटा दें तो ये सारे एरियाज को अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी जो भी एरियाज है वहां पर ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे पहले के टाइम पे जैसे जैसे ह्यूमंस ने सेटल करना स्टार्ट किया ह्यूमंस रहना उन्होंने जब से स्टार्ट किया एक जगह पर जब से वो सेटल होने लगे तो वो फॉरेस्ट को काटने लगे ताकि वो उस एरिया पे लैंड की फार्मिंग मीन्स फार्मिंग कर सके यहाँ पर इसलिए उन्होंने वो फॉरेस्ट को क्या करते गए काटते गए और आज के टाइम पे क्या हुआ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते जा रहा है और आ, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए या बहुत सारे अलग अलग काम के लिए हमको लैंड की ज़रूरत पड़ती है तो और ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो क्लियर होते जा रहा है ट्वेंटी सेंचुरी के बिगिनिंग में हमारे पास जो फॉरेस्ट जो रिमेनिंग फॉरेस्ट थे वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं थे जैसे कि हिल रेंजेस हो गया मार्शेस या रॉकी एरन पे थे तो वो सूटेबल नहीं थे आपका फार्मिंग के लिए तो यहाँ पर क्या हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होने लगी क्योंकि मीन्स जो एरियाज बचे हैं फॉरेस्ट के लिए वो वहाँ पर लोग जो हैं वो आ, वो डिफ़िकल्ट मीन्स यहाँ पर जैसे कि आपका पोलर आपका आ, हिल रेंजेस हो गए या मार्शेस या रॉकी टेरेन है तो वहाँ पर ये ये इस लैंड एरिया पे क्या है लोग नहीं रह सकते वहाँ पर रहना जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन हैबिटेशन क्या है वहाँ पर सेटल नहीं हो सकता क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे इन नंबर ऑफ इन अ नंबर ऑफ वेज बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी द काइंड ऑफ वेजिटेशन दे कंटेन और देयर लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस बेस्ड ऑन डेंसिटी फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड वेरी डेंस फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट डिग्रेडेड फॉरेस्ट एक्सेट्रा ठीक है फॉरेस्ट को अलग अलग uh, क्लासीफाई किया जा सकता अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है उनके डेंसिटी के बेस पे उनके वेजिटेशन जो जिस काइंड का वेजिटेशन है उनके बेस पे वहाँ के लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के बेस पे तो यहाँ पर आपको डेंसिटी के बेस पे फॉरेस्ट uh, को क्लासीफाई किया गया है एक तो वेरी डेंस फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट डिग्रेडेड फॉरेस्ट एक्सेट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लासीफाइज इन टू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अनकिफाइड फॉरेस्ट ठीक है अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासीफिकेशन की बात करें तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने फॉरेस्ट को तीन कैटेगरी में तीन कैटेगरी में डिफाइन किया है तीन अलग अलग कैटी टाइप्स में बांटा है आपका रिजर्वड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ठीक है यहाँ पर आपका रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है और अनक्लासिफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल थैंक यू बाय